रात्रि क्लास चल रहा था। 6/12/1968 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। शरीर रूपी वस्त्र नया होता है और पुराना होता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पहले नया कपड़ा पहनते हो, फिर पुराना होता है। तो जीवन भी कभी पुराना होता है, कभी नया होता है। नवयुग में नया जीवन, फिर पुराना युग, उसमें पुराना जीवन। तो ये समझने की बातें हैं। कोई भी बात में किसी बच्ची को पढ़ाई में कोई मुश्किल हो तो बताओ, सन्मुख आते हो, किसको भी कोई तकलीफ होती हो इस पढ़ाई में, कोई सब्जेक्ट बिल्कुल ही डिफिकल्ट है तो समझना मुश्किल होता है, तो टीचर के सन्मुख आकर के क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी पेपर्स निकलते हैं ना, और वो परीक्षा के पेपर बाहर से आते हैं, बच्चे बोलते हैं पेपर्स बहुत डिफिकल्ट हैं, ऐसे होता है ना, बहुत डिफिकल्ट पेपर आए हैं। इससे तो लगता है कि बहुत नापास हो जाएंगे। तो ऐसे ही इस बेहद की ईश्वरीय पढ़ाई में कोई पेपर डिफिकल्ट है तो इस इम्तिहान में भी ऐसे होता है। कोई कोई पेपर आते हैं बाहर से, तो कोई को तो मालूम पड़ जाते हैं पहले से ही। इसको फिर कहा जाता है लीक आउट हुआ। और जब लीक आउट हो जाता है तो फिर वो पेपर बंद कर देते हैं। अब इस बेहद की परीक्षा में तो बंद करने की कोई दरकार ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें तो सारा तुम्हारा मदार याद की यात्रा पर है। चौरासी के चक्कर की याद की यात्रा, तो तुम बच्चे खिलाड़ी तो हो ना, तुम बच्चे जान गए हो कि तुम्हारा खेल कौन सा है। और हमारा खेल तो ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऊपर से आएंगे ना बच्ची तो खेल करेंगे नीचे, पहले तो घर याद आएगा ना कि हम आत्माएं ऊपर से आती हैं। ऊपर से आती हैं फिर यहां आकर के पार्ट बजाने के लिए शरीर लेते हैं, आत्मलोक में शरीर तो नहीं होते। तो तुम बच्चे ये सब जानते हो, इसलिए सभी आस्तिक हो। तो जब तक याद करते हो तब तक आस्तिक हो, पर भूल जाते हो तो नास्तिक। अभी तो तुम घड़ी घड़ी आस्तिक होते हो, तुमको आस्तिक कौन बनाते हैं?
वेद का बाप आकर के आस्तिक बनाते हैं। फिर नास्तिक कौन बनाई देता है? माया आकर के नास्तिक बनाई देती है, आधा जीत लेती है। तो देखो, बाप तुमको आस्तिक बनाते, विश्व के राजभाग का मालिक बनाते, और माया आधे में जीत पहन करके ले जाती है गड्ढे में। क्योंकि ये माया के पांच विकार है ना, बहुत कोशिश करते हैं नीचे गिराने के लिए। जिसके लिए बच्चे रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा आज हमको लोभ ने जीता, आज मोह ने जीता, आज क्रोध ने। तो ये सब विकार तुमको जीतते हैं, और जीतते हैं, हार खाते हो तो याद तो आते हैं ना, सभी याद आते हैं। तो वो कोशिश करके ये समझ में बुद्धि में रहे कि अभी याद किसको करें, उन विकारों को याद करें या निर्विकारी बाप को याद करें। ये तो जानते हो कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो तो तुम भक्ति मार्ग से ही जानते हो। भक्ति मार्ग में लिखा है ना, गो गोचर जहां लगे मन जाई सो सब माया जानो भाई। गो इंद्रियों को कहा जाता है, इंद्रियां ये जहां जहां तक इस दुनिया में विचरण करती हैं और जो कुछ है ये आंखें देखती हैं वो सब माया है। ये माया भी दुनिया दिखावे की, ये जो इतनी सुंदर दिखाई पड़ती है ये सब कब्रस्तान बनने वाली है। कब्रस्तान बनेगा तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या होगा? इस आसमान को भी याद नहीं करते हो। जो आसमान वास्तव में है कुछ भी नहीं, पकड़ना चाहेंगे तो मुट्ठी में आएगा नहीं। तो ये सूक्ष्म दृश्य होता है ना आसमान का, और ये पृथ्वी तो न इस पृथ्वी को न आकाश को न ये सब पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पांचों तत्वों को इनको भी याद नहीं करना है, फिर किसको याद करना है? नहीं, इन पांच तत्वों के ऊपर भी जो चीज है उसे याद करना है। वो घर है आत्माओं का, मेरे आत्मा रूपी बच्चे हो ना, तो उस घर को जिसको शांति धाम निर्वाण धाम कहते हैं वहां वाणी का गम नहीं होता, वो है निर्वाण धाम। और वो तो सबसे ऊपर है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन सब से ऊपर। तो जो सबसे ऊपर है तो बच्चों को वहीं जाना है। कौन से बच्चों को, किसको जाना है?
आत्मा को जाना है। आत्मा को, और ये आत्मा तो बड़ी तीखी है। ये जो कहते हैं ना, एरोप्लेन दौड़ता है और एरोप्लेन इतना तेज भी दौड़ता है जो आवाज से भी तीखा दौड़ता है, भागते हैं। छह 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पीठ। अरे पर उसे स्थूल एरोप्लेन से भी तीखा है ये आत्मा रूपी एरोप्लेन। ये तो बहुत तीखा दौड़ता है और है ये बहुत छोटी चीज है। तुम लोगों ने कभी आकाश में उड़ता हुआ रॉकेट देखा है? एरोप्लेन बड़ा दिखाई पड़ता है या रॉकेट बड़ा दिखाई पड़ता है? ज्यादा छोटा कौन सा होता है देखने में? रॉकेट बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तो यहां ऐसे दुनिया से उठ करके ऐसे ऊंचे चले जाते हैं जो इतनी दूर ऊंचाई में चले जाए के दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी कोई कोई बच्चों ने देखा जरूर होगा है। वो नबी दिखाई पड़े तो वो निशान छोड़ता जाता है। क्या क्या निशान छोड़ता जाता है? हाँ, धुआं छोड़ता है ना, है तो इसे के ये धुएं को जैसे देखा जा सकता है। तो वो रॉकेट होते हैं है, तो भी वो बहुत तीखे होते हैं और उस रॉकेट से भी है। ये देखो एरोप्लेन कितना तीखा जाते हैं आजकल। तो सबसे तीखी तो ये आत्माएं हैं, आत्मा रूपी एरोप्लेन कहो, बहुत छोटी, बिल्कुल कहां भी जा सकती है। एक सेकंड में शरीर छोड़ा और ये विलायत में कहां की कहां चली जाती है, पृथ्वी के दूसरे छोर तक जाकर के जन्म लेती है। तो पता नहीं पड़ता है कि आत्मा कहां से आती है। हो तो फिल्म वालों ने गीत बनाए दिए, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते कहां। अरे कहां चले जाते है? वो कोई स्थूल चीज है जो तुम्हें दिखाई पड़ेगी। तो पता नहीं पड़ता है कि आत्मा कहां से आती है। अनेक में कोई बताओ? नहीं। अरे रास्ता तो एक ही होता है, कोई अनेक रास्ते थोड़े ही होते हैं। अगर अनेक रास्ता हो तो फिर इसको शिव की बारात क्यों कहें? वो तो एक ही रास्ते से जाती होगी बारात है, और बारात में तो सारे बाराती उसी रास्ते से जाएंगे ना। इधर से उड़े और जैसे मक्कड़ जाते हैं ना, उड़ते हैं। तो देखो ये मक्कड़ कितनी बड़ी बारात लेकर के जाते हैं। मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी की रानी उड़ती है तो कितनी बड़ी बारात लेकर जाती है।
यहाँ कभी तुम, यहाँ तो अभी ठंडी है ना, पहाड़ पर तो ठंडी ही होती है, तो गर्मियों के मौसम में बहुत बड़ा उनका मनारा निकलते हैं, मधुमक्खी है ना तो भागती है। अच्छा अभी तो बाबा की याद में रहो, ऐसे नहीं मधुमक्खियों की रानी याद आने लगे कि कहू है ना। हाँ कोई कोई को मधुमक्खियों की रानी बहुत याद आती है। हाँ, और बहुत खुशी से अंदर से मधुमक्खी की रानी को याद करते रहेंगे। हाँ, और वाह 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 वा करते रहेंगे, करते हैं कि नहीं। हाँ, फिर बोलेंगे वाह बाबा कमाल है बाबा, हम देखो आपको कितना भूल जाते हैं इन मधुमक्खियों के और उनकी रानी के चक्कर में, आप आकर के फिर हमको याद दिलाते हैं कि नहीं बच्चे है मधुमक्खियों की रानी को भी याद करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, मेरे को याद करेंगे तो तुमको बहुत फायदा है, उससे तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, बने थे है। ऐसे ऐसे 84 का जन्म लेकर के फिर तुम पुजारी बन गए ना, 84 के चक्कर में आके अभी बाबा फिर हमको वो ही शिक्षा देते। कौन सी शिक्षा? मन मना भव, मेरे दिल में समा जा, मेरे मन में समा जा। किसने बोला? अरे बोलने वाली कोई आत्मा है? कहते ऊपर वाली शिव की आत्मा है, उसको दिल होता है, मन होता है चंचल, फिर वो जिसे में प्रवेश करता है मुकरर रूप से, हाँ, उसको देह में दिल भी होता है, मन भी होता है, चंचल मन। तो अब तुम बच्चों ने जाना कि हमको कितनी दफा मनमना भव की शिक्षा दी जाती है। क्या शिक्षा दी जाती है? कि मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरा दिल किसी को आवाज आता है ना है? नहीं आता है? सबका दिल कोई न कोई के ऊपर आता है, इस दुनिया में तो ऐसा होता ही है। आज मेरा दिल आ गया, होता है कि नहीं? हाँ, तो जिसके ऊपर शिव बाप का दिल आता है वो अलफ है। क्या है? खड़ा डंडा है। खड़ा डंडे का क्या मतलब हुआ? जब मैं आता हूं तो आदि से लेकर के अंत तक जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता हूं वो डंडा क्या गिर पड़ता है? खड़ा ही रहता है पुरुषार्थ में। तो उस अल्फ को याद करो, ऐसे याद करके तो इसको याद कहेंगे ना। यही तो याद हुई क्या? कि गिर पड़ने वाले को याद करेंगे तो याद हुई, वो तो खंडित याद हो जाएगी। तो याद करके उनकी बढ़ाई भी करनी चाहिए। किनकी? मेरी नहीं उतनी, उनकी। उनकी क्यों है? उनकी इसलिए बताया कि एक नहीं है, दो हैं। क्या? वो बाप और बच्चे हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, रचयिता और रचना है। तो उनकी बड़ाई भी करनी चाहिए कि कमाल है बाबा, आप तो सारे विश्व को वरदान दे देते हो। कौन सा वरदान? शांत भव, सुखी भव, सिकिर्दे
रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का। दादा रूहानी नहीं है, दादा में रूह नहीं है, रूह तो है लेकिन वो रूह है इस दुनिया में क्या करती है, सुख भोगते भोगते देह अभिमानी बन जाती है। अब जो ये आत्मिक स्थिति वाली आत्माओं का बाप और दादा हो तो उनमें जो दादा है वो भी देहभानी बनता है या नहीं, वो भी बनता है। और जो देहभान वाले बाप और दादा हैं इस दुनिया में तो फिर है ही देहभान वाले, तो रूहानी बाप की दिल और जान से और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट नमस्ते।